बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हमने इंटरनेट के एक बड़े फीचर ईमेल, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की डिटेल देखी थी। आज के लेक्चर में हम इंटरनेट के आखिरी और सबसे बड़े फीचर वर्ल्ड वाइड वेब की डिटेल्स देखेंगे, साथ के साथ इंटरनेट के क्या क्या नुकसान आते हैं इस पर भी नजर डालेंगे। तो दोस्तों आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड वेब आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसकी जगह लिख दूं www, तो यकीनन आप में से हजारों लोगों ने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा। कहाँ, आइए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, चाहे YouTube पर वीडियोस देखें, कोई कुकिंग का चैनल देखें, क्रिकेट की वेबसाइट हो, हत्ता के फेसबुक या फिर गूगल, ट्विटर, कुछ भी हो, आपको सबसे टॉप पर इस जगह इस तरह का www नजर आएगा। अक्सर लोगों को ये धोखा भी हो जाता है कि ये इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट पर आप कुछ भी करें आपको इस www से वास्ता जरूर पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा, ये इंटरनेट नहीं है बल्कि इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों इंटरनेट दरअसल बंच ऑफ नेटवर्क्स है जो कि आपस में कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, ये दोनों कंप्यूटर्स और ये तमाम कंप्यूटर मोबाइल्स आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे, इंटरनेट के जरिए। लेकिन अब अगर इन कंप्यूटर्स को कुछ सर्च करना है, मकतब की वीडियोस देखनी है, क्रिकेट की अपडेट्स मालूम करनी है, फेसबुक इस्तेमाल करनी है, तो ये तमाम सर्विसेज जो फराहम करेगा वो कहलाएगा www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। और ये तमाम सर्विसेज मौजूद होती हैं वेब सर्वर्स में। किस शक्ल में? वेबसाइट्स की शक्ल में। अब आपको YouTube से कोई वीडियो देखनी है तो वो YouTube के सर्वर में होगी वेब की शक्ल में। Google से कुछ सर्च करना है तो वो Google के सर्वर में होगा। और इसी तरह तमाम सर्विसेज अपने अपने सर्वर्स में वेब की शक्ल में मौजूद होंगी। डियर फ्रेंड्स, आसान अल्फाजों में इंटरनेट तमाम कंप्यूटर्स को रास्ता फराहम करता है कि वो उन सर्वर्स तक पहुंच सके और सर्विसेज को इस्तेमाल कर सके। और उन सर्वर्स में पूरे वर्ल्ड की वेबसाइट्स मौजूद हैं, इसीलिए इसे वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया गया है। दोस्तों क्योंकि उस वेब सर्वर्स में बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं और उन्हें एक दूसरे से अलग अलग रखने के लिए हर वेबसाइट को अलग अलग एड्रेस दिया जाता है, जो कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उन्हें देती है। और अगर आप अपनी मतलूबा सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो आपको वो एड्रेस याद रखना होगा। उस एड्रेस को इंटरनेट की जुबान में कहा जाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। और आपने इसको कई बार देखा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये तमाम वर्ड्स क्या हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले www से पहले ये HTTP लिखा है, ये कहलाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिस तरह इंटरनेट में हम कोई फाइल ट्रांसफर करें उसका अलग प्रोटोकॉल होता है, कोई ऑडियो वीडियो चैटिंग करें उनका अपना अपना अलग प्रोटोकॉल होता है, ऐसे ही वर्ल्ड वाइड वेब यानी हमारी वेबसाइट्स किस तरह काम करेंगी, इसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि इस HTTP प्रोटोकॉल में डिफाइन होते हैं। इसीलिए ये पहला वर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब का प्रोटोकॉल। इसके बाद डबल स्लैशेस के बाद है www, जो कि ये बताता है कि आप वर्ल्ड वाइड वेब इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब, क्रिकेट वगैरह, तो ये होता है सर्वर नेम जो कि आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। इन शॉर्ट URL में HTTP हो गया प्रोटोकॉल, किसका, www का, और वो www किस सर्वर की है, गूगल की, फेसबुक की, याहू की, यानी जिस भी सर्वर की आप सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे होंगे इस जगह पर उस सर्वर का नेम होगा। तो दोस्तों ये थी www की डिटेल्स। आइए अब वेब की कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है एंकर। दोस्तों तमाम वेबसाइट्स वेब सर्वर्स में होती हैं और वो वेब सर्वर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से तमाम वेबसाइट्स जो कि इन वेब सर्वर्स में रखी हैं वो भी आपस में कनेक्ट होती हैं। दोस्तों ये एक वेबसाइट है और यहाँ ये जो रेड पार्ट नजर आ रहा है
इसे कहेंगे लिंक और इसके नीचे आपको छोटी सी लाइन भी नजर आ रही होगी जो कि ये बताएगी कि ये लिंक है। लिंक का मतलब है कि आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे एक और वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस एंकर कहलाता है जिसमें एक वेब सर्वर में रखी हुई वेबसाइट दूसरी वेबसाइट जो कि दूसरे वेब सर्वर में मौजूद है उससे कनेक्ट होती है। इसके जरिए लिंक के जरिए और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एंकर। अगली टर्मिनोलॉजी है ब्राउजर। दोस्तों ये नाम आपने सुना होगा, गूगल का वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स। तो ये सब है वेब ब्राउजर। इनका काम क्या है? ये इंटरफेस फराहम करता है यूजर यानी आपके और उस वेब सर्वर के दरमियान। तो होता क्या है, तमाम वेबसाइट्स एक ही लैंग्वेज पर बेस्ड करती हैं HTML, और ब्राउजर उसको ट्रांसलेट करके उसको तब्दील करके उस फॉर्म में देता है जैसे आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने गूगल के ब्राउजर पर कुछ लिखा तो ब्राउजर ने इसको सर्च किया गूगल के वेब सर्वर में और जो भी रिजल्ट आया उसको ट्रांसलेट करके आपको दिखाया उस फॉर्म में जो कि आप समझ सकते हैं। ये काम होता है वेब ब्राउजर का। अगली टर्मिनोलॉजी है क्लाइंट। क्लाइंट यानी के आप यानी यूजर जो कि किसी सॉफ्टवेयर यानी के ब्राउजर्स के जरिए वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। यहाँ ब्राउजर एज अ क्लाइंट रिप्रेजेंट होगा क्योंकि आपको जब भी कोई चीज सर्च करनी होती है तो आप गूगल के वेब ब्राउजर का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर गूगल का वेब ब्राउजर एज अ क्लाइंट रिप्रेजेंट होगा। अगली टर्मिनोलॉजी है डोमेन नेम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि URL में वेब सर्वर्स नेम होता है जो कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसको प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इस URL को ही डोमेन नेम भी कहा जाता है। अगली टर्मिनोलॉजी है फायरवॉल। दोस्तों हमने इंट्रानेट को पिछले लेक्चर में फीचर्स ऑफ इंटरनेट में पढ़ा था। तो फायरवॉल इंट्रानेट को एक्स्ट्रानेट नेटवर्क से जोड़ती है और अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर आपके नेटवर्क में दाखिल होना चाहता है तो उसको भी नेटवर्क में दाखिल होने से रोकती है। फायरवॉल का काम क्या है, अनऑथराइज्ड यूजर्स को आपके नेटवर्क में दाखिल होने से रोकना। के बाद है होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है जो यूजर को दिखता है वो उस वेबसाइट का होम पेज कहलाता है। ये अगली टर्मिनोलॉजी है वेबसाइट। दोस्तों ये बहुत से पेजेस पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि आपस में लिंक अप होते हैं, कनेक्ट होते हैं और इसे वेबसाइट का नाम दिया जाता है। ये थे तमाम टर्मिनोलॉजीज। और दोस्तों यहाँ तक हमने तमाम इंटरनेट के फवाइद फीचर जिनमें हमने ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और चैटिंग और उसकी टाइप्स को देखा। जिस तरह हर चीज के फवाइद होते हैं ऐसे ही कुछ नुकसान भी होते हैं, ऐसे ही इंटरनेट के भी कुछ नुकसान हैं क्योंकि इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, एक पब्लिक नेटवर्क है, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम्स आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आइए इसके बहुत से नुकसान में से कुछ नुकसान पर नजर डालते हैं। दोस्तों हम इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वेब ब्राउजिंग करते हैं यानी चीजों को सर्च करते हैं और अब तो छोटे से छोटा बच्चा भी इंटरनेट चलाना जानता है। तो इंटरनेट पर ऐसी चीजें भी होती हैं जिनके जरिए बच्चों में जिंसी रविश पैदा हो सकती है। और इसके अलावा क्योंकि इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है तो अगर आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर शेयर करते हैं तो लोग उसके जरिए आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा चाहे इंस्टेंट मैसेजेस हो, ईमेल्स हो या कोई और चैट प्रोग्राम हो जिसके पास भी आपका ईमेल एड्रेस होगा या फिर यूजर नेम होगा वो आपको कुछ भी मैसेज कर सकता है, तंग कर सकता है और आपको हैरास कर सकता है। तो इसके लिए इंटरनेट ने एक सर्विस प्रोवाइड की है जिसके जरिए आप कंप्लेन कर सकते हैं और इंटरनेट फिर उस पर एक्शन लेता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अब्यूजेस इंटरनेट के। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 यानी एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे। यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ।